दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तांत्रिक जांगुला। ये राम रेम्बी कॉमिक्स है, एक्शन हॉरर जासूसी कॉमिक्स है ये, तो पढ़ते हैं इसको। तांत्रिक जांगुला। राहुल के दादाजी बाद भ्रमण करके 10 साल बाद घर लौटे थे। इसी खुशी में राहुल ने अपने सभी दोस्तों को दावत पर बुला रखा था। राम रेम्बी इसी दावत में शामिल थे। खाने का दौर समाप्त होने पर, बच्चों आज मैं तुम लोगों को एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। इतना कह दादाजी ने बगल में दवा बॉक्स एक टेबल पर रख दिया। फिर बोले, यह मेरे वर्षों के भ्रमण का फल है। एक महान तांत्रिक ने मेरी सेवा से खुश होकर यह बॉक्स मुझे तोहफे के रूप में दिया है। इसे अंग्रेजी में प्लेन चिट कहते हैं। हम इसके द्वारा किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा को यहाँ बुला सकते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। असंभव। तो लो, जो कुछ मैंने कहा है उसे कुछ ही देर में तुम लोग प्रत्यक्ष रूप में देखोगे। इतना कह दादाजी ने बॉक्स का ढक्कन हटाया और उसमें रखी प्लेट पर एक धागे से बंधी पेंसिल से कुछ लिखने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक हॉल की खिड़की झटके से खुल गई और सोए खट। दूसरे पल कमरे का प्रकाश गुल हो गया। सभी चौंक उठे। ओ, यह अंधेरा कैसे हो गया? घबराओ नहीं बच्चों, निकट ही भटक रही कोई आत्मा इस हॉल में दाखिल हो चुकी है। तभी, मुझे तुमने क्यों बुलाया? मुझे जाने दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नामकरण नहीं हुआ था। ओ, इतनी बाल अवस्था में तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई थी? मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, मेरी हत्या हुई थी। कौन है वह दुष्ट जिसने तुम्हारी हत्या की थी? मेरा हत्यारा तुम्हारा समाज है। तुम सब भी मेरे हत्यारे हो। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? यह एक दर्दनाक कहानी है। तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरी माँ मारिया प्यार में अंधी होकर कुंवारेपन में ही माँ बन गई थी। उसके प्रेमी डरविन ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अतः इस समाज और लोगों के तानों के डर से मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के 4 घंटे बाद ही मुझे गटर में फेंक दिया था। उआ, उआ, मुझे माफ कर देना बच्चे, मैं मजबूर हूँ। वो सूखे गटर में मौजूद भूखे जंगली चूहे मुझ पर टूट पड़े। उआ, उआ। जल्दी चूहों ने मेरे जिस्म का सारा मांस नोच लिया। अब तुम ही बताओ मेरा क्या कसूर था? मुझे इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी गई? मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस है। तुम्हारी हत्या करने वाले तुम्हारे माता पिता को कानून जरूर सजा देगा। नहीं, मैं अपने हत्यारे को खुद सजा दूंगा। जब तक 100 इंसानों के खून से मैं अपनी प्यास नहीं बुझा लूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब मुझे जाने दो, मुझे मुक्त कर दो। नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते। बदले की आग ने तुम्हें शैतान बना दिया है। अतः जाने से पहले तुम्हें वचन देना होगा कि तुम किसी से बदला नहीं लोगे। अब यह वचन देना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे जाने दो। नहीं, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो यहाँ मौजूद लड़कों को भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हा, बालक का भी वत्स रूप देख सभी लड़के वैसे चीख उठे। यह तो ड्रैकुला है, भागो वरना वह हम सबको मार डालेगा। राम भैया चलो हम भी फूट ले। चुपचाप खड़े रहो रहीम, अगर मौत आई तो भागकर भी हम उसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। फिर इससे पहले कि लड़के खुले दरवाजे तक पहुंचते, दरवाजा बंद हो गया। साथ ही हॉल की खिड़की भी बंद हो गई थी। तड़ाक। ओह, दरवाजा तो बंद हो गया। अब क्या होगा? हम सब के सब मारे जाएंगे। आओ दरवाजा तोड़ दे। दूसरे पल सब लड़के मिलकर दरवाजे पर जोर आजमाने लगे थे। उधर राम दादाजी से बोले, दादाजी बालक की आत्मा को जाने दीजिए, उससे उलझना ठीक नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहते हो। तत्पश्चात दादाजी ने बालक की आत्मा को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही शनाख दूसरे पल बालक की आत्मा की जाती और फिर प्रकाश से जगमगा उठा। राहुल अपने आवासों पर काबू पाते हुए बोला, ओ दादाजी मेरी तो जान ही सूख गई थी। ऐसा लगता जैसे हमने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन यह सपना नहीं हकीकत थी। आत्मा अमर होती है बच्चों, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जिंदा रहती है। वह फिर रूप बदलकर जन्म लेती है, लेकिन जिनकी असामान्य ढंग से मौत होती है उन्हें आसानी से जन्म नहीं मिलता। वो आत्माएं भटकती रहती है। उस बालक की आत्मा भी भटक रही है। अगर वह आत्मा किसी दुष्ट तांत्रिक के कब्जे में आ गई तो गजब हो सकता है। तंत्र विद्या में सिद्धि हासिल करने के लिए तांत्रिक अधिकतर शिशु का कपाल और हड्डियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन शिशु की हड्डियों का और कपाल का प्रयोग क्यों किया जाता है दादाजी?
तांत्रिकों का यह मानना है कि नवजात शिशु के दिमाग में पिछले कई जन्मों की यादें सुरक्षित रहती है। तुमने देखा होगा शिशु अक्सर खुद ही रोते हैं और खुद ही मुस्कुराने लगते हैं, और ऐसा वे पिछले जन्म की यादों के कारण ही करते हैं। इसलिए वे शिशु के आत्मा को ज्यादा शक्तिशाली और कार्यकारी समझते हैं। ओह, यह तो आपने हमें बड़ी अजीब बातें बताई है, पर आपने हमें जो चमत्कार दिखाया है उसे हम दूर से नमस्कार करते हैं। रहीम की बात सुन सभी हंस पड़े। थोड़ी देर बाद जब दादाजी अपना बॉक्स उठाकर वहां से चले गए तो राम रहीम ने भी राहुल से विदा ली और वहां से चल पड़े फट फट फट। लगातार 1.5 घंटे के सफर के बाद राम रहीम एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे कि तभी वो कौन हो सकता वे कौन। लेकिन इससे पहले कि राम रहीम के प्रश्न का उत्तर देता, अचानक मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो गया। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? खुद ही रुक गई है, लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। तत्पश्चात मोटरसाइकिल का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद, कहीं कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, पेट्रोल भी काफी है, फिर गाड़ी अचानक बंद क्यों हो गई? चलो फिर स्टार्ट करके देखो। राम ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की परंतु सफलता नहीं मिली। तभी अचानक रहीम को कुछ याद आया और वह बोला, राम तुम यहाँ किसी के होने की बात कर रहे थे, पर मुझे तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। मैंने उसे सड़क पर खड़े देखा था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। जरूर तुमने किसी भूत को देखा था, अब क्या करे, इतनी रात गए सुनसान इलाके में कोई दूसरी सवारी मिलने भी मुश्किल है, लगता है रात हमें इसी वीराने में गुजारनी पड़ेगी। मारे गए, राम मोटरसाइकिल को धकेल कर आगे बढ़ते हुए बोला, घबराओ नहीं, आओ आगे देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। ओके। अभी वे थोड़ी दूर गए थे कि उधर देखो राम, रोशनी नजर आ रही है, वहां जरूर कोई रहता है। ओ चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों उसी दिशा में चल पड़े जिधर रोशनी नजर आ रही थी। कच्चे रास्ते से होते हुए जब राम रहीम रोशनी के करीब पहुंचे, दत्त तेरे की, यह तो कोई पुराना मंदिर है, हम यहाँ खामक आए, अब जब आ ही गए तो क्यों न रात यहीं गुजारी जाए। फिर मोटरसाइकिल वहीं स्टैंड पर खड़ी कर राम रहीम से बोला, आओ अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई अंदर हो, इतनी रात गए यहाँ कौन बेवकूफ बैठा होगा। चलकर देखने में क्या हर्ज है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मंदिर में कदम रखते ही गम गम गम, यह मंदिर के अंदर से कैसी आवाज उभर रही है राम, लगता है मंदिर का पुजारी मंत्र साधना में लीन है। शुक्र है भगवान का, यहाँ कोई तो मौजूद है, पुजारी बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। कहने के साथ ही राम आगे बढ़ गया। रहीम ने खामोशी से उसका अनुसरण किया, लेकिन मंदिर के कक्ष में कदम रखते ही राम रहीम सकते किसी हालत में खड़े रह गए। गम गम गम, ओह। फिर अचानक साधु ने त्रिशूल तान लिया, उसका इरादा भांप, राम गरज उठा, ठहरो साधु बाबा, तुम यह अनर्थ मत करो। राम के शब्द सुन साधु चौंकते हुए मुड़ा और बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? यह तो अच्छा जो हम सही वक्त पर आ गए, वरना तुम तो उस मासूम बालक की हत्या कर चुके होते। तुम साधु हो या शैतान? खामोश लड़के, मेरे कार्य में बाधा डालकर तुम लोगों ने छानी किया, और जिसे तुम बालक समझ रहे हो वह वास्तव में शैतान है। बड़ी मुश्किल से यह मेरे काबू में आया है, इससे पहले कि यह शैतान जाग उठे इसे खत्म करना जरूरी है। बंद करो अपनी बकवास, हम तुम्हें बाल का अपहरण करके उसकी हत्या करने की कोशिश के जुर्म की सजा दिलवाकर रहेंगे। मूर्खता मत करो लड़को, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, मेरी बात मानो और तुरंत यहां से चले जाओ। इतना कह साधु मुड़ा और उसने बालक पर फिर त्रिशूल तान दिया, किंतु इससे पहले वह त्रिशूल बालक के सीने में घोंप पाता, ठक आह। फिर खबरदार, अब कोई हरकत की तो सीधे जहन्नुम पहुंच जाओगे। ओह। तभी मूर्ति के पीछे से काला लबादा पहने एक भयानक आदमी प्रकट हुआ। उस पर नजर पड़ते ही रहीम चीखा, कौन हो तुम? वह तांत्रिक चीखा भयानक आदमी आगे बढ़ा और वेदी पर लेटे बालक को उठाकर दौड़ पड़ा। रहीम उसके पीछे लपकता हुआ गरजा, रुक जाओ पाखंडी, पर वह रुका नहीं और दौड़ता हुआ मंदिर के कक्ष से बाहर निकल गया। तभी रहीम छलांग लगाकर उसके ऊपर आ गिरा। आह दफ। उधर साधु राम की चेतावनी उधर साधु राम को चेतावनी देते हुए बोला, मूर्ख लड़के मेरी फिक्र छोड़ और अपने साथी की मदद कर, जांगुला मेरा साथी नहीं बल्कि शैतान का सेवक है, मैं सन्यासी सत्यानंद हूं,
मेरी बात मानो वह। तभी रेम की दर्दनाक चीख उन्हें सुनाई दी, राम ओ तुम्हारे साथी का जीवन खतरे में है। अगले पल आओ मेरे साथ। राम मंत्र मुग्ध सा साधु के पीछे चल पड़ा। उधर पुराने मंदिर के बाद जांगुला के गिरते ही उसके हाथों में तमाशी से उछलकर रेम के सीने पर जा चढ़ा था। डर के मारे रेम के मुंह से चीख निकल गई थी, परंतु जल्द ही रहीम अपने आप को संभालकर शिशु को अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करने लगा था, पर शिशु की पकड़ उसे लोहे के शिकंजे के समान प्रतीत हो रही थी। ओह यह बालक है या शैतान, हा। फिर देखते देखते बालक का चेहरा अत्यधिक भयावह हो उठा। मुझे भूख लगी है, हा। ओह अगले पल बचाओ। लेकिन तभी धप ओह दूसरे पल ओह तुम ठीक तो नरेन? हाँ, लेकिन तुम लोगों ने पहुंचने में अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इस शैतान की जगह मेरी लाश पड़ी होती। हमसे बड़ी भूल हो गई थी रेम, पर शुक्र है भगवान का कि आखिरकार इस शैतान का अंत हो ही गया। नहीं बच्चे, तुम फिर भूल कर रहे हो। अंत शैतान का नहीं, उस शरीर का हुआ है जो उसने धारण कर रखा था। वह जल्दी फिर एक नए रूप में जन्म लेगा। आखिर यह चक्कर क्या है बाबा? वह क्या तृप्त आत्मा बच्चों, अगर शरीर धारण करते ही उसे समाप्त नहीं किया गया तो न जाने कितनों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। 1 घंटे पहले उसने ग्रामीण के यहाँ जन्म लिया था, मैं उस शैतान का अंत कर देता, परंतु तुम लोगों ने यहाँ कर गड़बड़ कर दी। अगर हमारी मोटरसाइकिल खराब न हुई होती तो हम यहाँ नहीं आते। तत्पश्चात राम वहां तक पहुंचने का सारा वृतांत साधु बाबा को बताने लगा। राम की बात सुनने के बाद, तुमने तांत्रिक जंगला को इस सड़क पर खड़े देखा होगा, उसने अपनी तंत्र शक्ति द्वारा तुम्हारी मोटरसाइकिल में गड़बड़ी पैदा कर दी और तुम्हें यहाँ ले आया। अब क्या होगा बाबा? दोष हमारा है, हमें माफ कर दीजिए बाबा। तुम लोग परेशान नहीं हो, रात बहुत हो चुकी है, अब घर जाओ। लेकिन इस बालक की लाश का क्या होगा? इसका क्रियाक्रम मैं अपने हाथों से करूंगा। इतना कह साधु बाबा ने कोई मंत्र पढ़कर मोटरसाइकिल पर फूंक मारी। तत्पश्चात राम से बोला, गाड़ी स्टार्ट करो बच्चे। जी। फिर राम ने जैसे किक मारी, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। यह तो कमाल हो गया साधु बाबा, फट फट फट। अब देर न करो बच्चों, घर जाओ, मुझे भी अब जाना होगा। इतना कह साधु ने आगे बढ़कर मृत बालक के सिर से त्रिशूल निकाल दिया और उसे गोद में उठाकर वहां से चल पड़ा। साधु बाबा के नजरों से ओझल होती, राम मुझे तो वह वही बालक लगता है जिसे हम राहुल के घर पर मिल चुके हैं। हाँ मेरा भी यही विचार है। फिर तो मैं डैकुला बालक की चेतावनी को नहीं भूलना चाहिए, वह जरूर अपना बदला लेगा। इससे पहले कि वह निर्दोष लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाए, हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? हमें कैसे पता चलेगा कि डैकुला बालक कब और कहाँ जन्म ले रहा है? हम तांत्रिक जंगुला के जरिए उस डैकुला बालक तक पहुंच सकते हैं। हमें उसको ढूंढना चाहिए होगा। यू आर राइट राम, हम कल से उसकी तलाश शुरू कर देंगे। तत्पश्चात उनकी मोटरसाइकिल घर की ओर तेजी से उड़ चली। हिमालय की तराई में बसे आदिवासियों के कबीले के सरदार के यहाँ संतान का जन्म होने वाला था। इसी उपलक्ष्य में कबीले में जश्न मनाया जा रहा था। सरदार जिंगारो भी इस जश्न में शरीक था। तू नका नका वाह वाह। अभी जश्न अपने यौवन पर पहुंचा ही था कि अचानक साधु सत्यानंद बाबा वहां पहुंचते हुए गर्ज उठे, बंद करो यह नाच गाना, क्यों अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हो? आदिवासी चौंककर साधु को घूरने लगे। अपने आनंद में साधु को खलल डालते देख जिंगारू भयानक स्वर में बोला, साधु अपनी जुबान पर काबू रख, क्या तू नहीं जानता कि आज कई वर्षों बाद हम बाप बनने जा रहे हैं? मूर्ख, तू जिस संतान के आने की खुशी में झूम रहा है वह तेरी और इस कबीले की बर्बादी लेकर आ रही है। साधु, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे, तू हमारी नजरों से दूर हो जा। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ सरदार, तुझे आने वाले खतरे से सावधान करने आया हूँ। तेरे घर में इंसान नहीं, शैतान जन्म लेने वाला है। अगर जन्म होते उसका वध नहीं किया गया तो वह सबको मार डालेगा। यह क्या तुम सच कह रहे हो साधु? सरदार जिंगर को साधु सत्यानंद की बातों में प्रभाव में आते देख, इस दुष्ट साधु की बातों में मत आ सरदार, यह तेरे वंश को खत्म करने के इरादे से यहाँ आया है। यह जरूर तेरा
यह जरूर तेरा दुश्मन है, मुझ पर भरोसा कर, तेरे घर में तुझ जैसा बहादुर और तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। जय हो गुरुदेव, आपका आपका वचन कभी खाली नहीं जा सकता। फिर जिंगारू साधु सत्यानंद से मुखातिब होकर बोला, साधु तूने हमारे पुत्र के लिए अपशब्द कहकर अपनी मौत को दावत दी है, पर आज की रात हम तेरे खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे। ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। अब भी वक्त है, होश में आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ले जाओ इस ढोंगी को, हम इसकी बकवास और नहीं सुनना चाहते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम पछताओगे सरदार जिंगारू। साधु के जाते जिंगारू अपने कबीले के वासियों से बोला, नाचो गाओ खुशी मनाओ, जो कम सरदार। परंतु इससे पहले की नृत्य फिर शुरू होता, दाई माँ दौड़ती हुई आई और बोली, मुबारक हो सरदार, तुम्हारे बेटा हुआ है। हा, हम बाप बन गए, हमारे बेटा हुआ है। फिर सरदार दाई माँ को इनाम देने के बाद बोला, हम अपने बेटे को देखना चाहते हैं दाई माँ। हाँ, क्यों नहीं सरदार, तुम्हारी राह देख रही है सरदारनी। तत्पश्चात सरदार जिंगारू दाई माँ के साथ वहां से चल दिया। लेकिन सरदारनी के कक्ष में कदम रखते जिंगारू के होश उड़ गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? जो पुत्र पैदा होते अपनी माँ को खा रहा है, वह हरगिज इंसान नहीं हो सकता। साधु की भविष्यवाणी सच निकली, मेरे घर में शैतान का जन्म हुआ है। इस विचार के दृढ़ होते जिंगारू चीखता हुआ बालक की तरफ लपका, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतान, अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। आवाज सुन बालक का चेहरा गर्दन पर घूमते हुए जिंगारू पर स्थिर हो गया। बालक का चेहरा देख जिंगारू के पैर जमीन से चिपक गए। ओह, अचानक बालक ठास कर उठा, हा। दूसरे पल नहीं, और फिर इससे पहले ही जिंगारू अपने आवासों में लौटता, आह। अगले पल हा। उधर सरदार जिंगार को लौटते न देख उसके अंगरक्षकों में जिज्ञासा जाग उठी और उनमें से एक बोला, बहुत देर हो गई सरदार वापस नहीं लौटा, क्या बात हो सकती है? कोई बात तो जरूर है, चलो चलकर पता लगाते हैं। परंतु सरदारनी के कक्ष के सामने पहुंचते ही वे ठिठक कर रुक गए। ओह पिशाच, हे भगवान भागो, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी डैकला बालक दाई माँ को छोड़ उनकी तरफ लपका, वे सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भूत, हा। तत्पश्चात जो भी डैकला बालक की पकड़ में आया वह अपनी जान से हाथों बैठा। वो आह, कबीले में अफरातफरी मच गई। जिसे भी जिधर रान नजर आई उसी दिशा में भाग खड़ा हुआ। जो भागे वे बच गए, जो रह गए वे बेमौत मारे गए। हा। जश्न की रात को मौत की रात में तब्दील करने के बाद डैकला बालक जब तांत्रिक जांगुला के ठिकाने पर पहुंचा तो जांगुला प्रसन्न स्वर में बोला, तुम आ गए मेरे आका, आखिरकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो ही गई, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तांत्रिक, अभी खतरा टलानी है। जब तक मैं 100 इंसानों के खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लेता, मेरी पूरी ताकत मुझे वापस नहीं मिल सकती। तुम तो जानते हो दिन के वक्त मेरी सारी शक्ति लुप्त हो जाएगी और मैं किसी भी खतरे का सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ में कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे तांत्रिक जांगुला पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। इसका पार्ट 2 आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में राम रहीम का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।